एक्सक्लूसिव खबर आज। देखिए, गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी और सप्लाई संबंधित दिक्कतों के बीच सरकार हरकत में दिख रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मसले पर अगले हफ्ते एक अहम बैठक बुलाई है और ये बैठक खासकर फर्टिलाइजर सेक्टर को जो गैस सप्लाई में कटौती की गई है इस मसले पर होगी। गेल ने फर्टिलाइजर सेक्टर को गैस सप्लाई में 10% की कटौती कर दी है, जिसकी वजह से इस सेक्टर की मुश्किलें बढ़ गई हैं और इस बात की भी संभावना दिख रही है कि यूरिया इम्पोर्ट में खासकर तेजी आ सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि पीएमओ जो है 10 अक्टूबर को सभी स्टेक होल्डर्स के साथ इस मसले पर बैठक करने जा रहा है और इस बैठक में पेट्रोलियम सेक्रेटरी शामिल होंगे, फर्टिलाइजर सेक्रेटरी शामिल होंगे और साथ ही साथ गेल के टॉप ऑफिशियल्स और साथ ही साथ फर्टिलाइजर सेक्टर के जो पीएसयूज हैं उनके भी टॉप ऑफिशियल्स को शामिल रहने के लिए कहा गया है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि पीएमओ जो है गेल से इस बात की जानकारी मांगेगा कि मौजूदा हालात में जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको पूरी करने के लिए गेल की क्या रणनीति है, साथ ही साथ कौन कौन से वो ऑल्टरनेटिव मार्केट हो सकते हैं जहाँ से गैस इम्पोर्ट किया जाएगा, साथ ही साथ स्पॉट परचेज की क्या संभावना दिख रही है, कीमतें कितनी बढ़ेंगी, साथ ही साथ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट अगर हो रहे हैं तो कौन कौन से वो नए मार्केट हो रहे हैं, इसके बारे में गेल की क्या रणनीति है, इन तमाम मसलों पर चर्चा की जाएगी। सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि फर्टिलाइजर सेक्टर को अगर आप गैस सप्लाई की बात करें तो 250 MMSCMD गैस सप्लाई में कटौती कर दी गई है, जिसकी वजह से इस साल यूरिया इंपोर्ट में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और ये 90 LMT के आंकड़े को पार कर सकता है वित्त वर्ष 2023 में। सरकार के लिए ज़्यादा चिंता की बात ये भी है कि सर्दियों में गैस की ग्लोबल डिमांड में तेज़ी आती है, लिहाजा इम्पोर्ट बढ़ाना उसके लिए और मुश्किल दिख रहा है। जैसा कि आपको पता है कि रशिया की कंपनी गैज़प्रोम ने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद गेल को गैस सप्लाई रोक दी है, जिसकी वजह से गेल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री सहित दूसरे इंडस्ट्री को भी गैस सप्लाई करने में सक्षम नहीं है और उसमें कटौती कर रहा है, लिहाजा सरकार अब अल्टरनेटिव मार्केट की तरफ देख रही है।